कोरोना का खौफ खत्म होते ही अब पूरा व्यापार उद्योग रफ्तार पकड़ने लगा है। इसके साथ ही भव्य उत्सव भी होने लगे हैं। 31 दिसंबर को नववर्ष 2023 के स्वागत के लिए राजनांदगांव शहर से लगे सोमनी में स्थित द ब्लिस इंटरनेशनल सज धज कर तैयार भी हो चुका है। यहां 31 दिसंबर को लजीज व्यंजनों के ऑफर और कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था की जा रही है। यहां नववर्ष के स्वागत के लिए धूमधड़ाके आतिशबाजी व गीत संगीत के बीच लोगों को लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाने को मिलेगा, जो आम दिनों में लोगों को नहीं परोसा जाता है। यहां आने वाले मेहमानों के लिए पास हेतु एंट्री फीस तय कर दी गई है। नववर्ष के स्वागत की तैयारियों को लेकर द ब्लिस इंटरनेशनल के डायरेक्टर रमेश श्रीवास्तव व आशुतोष जायसवाल ने इस प्रकार की जानकारी दी। शहर के प्रतिष्ठित होटलों में शुमार होटल ब्लिस इंटरनेशनल राजनांदगांव व दुर्ग के मध्य सोमनी में स्थित है। होटल ब्लिस इंटरनेशनल में इस वर्ष नए साल का जश्न धूमधाम से विशेष आयोजनों के बीच मनाया जा रहा है। इसके लिए होटल में 2023 न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने विशेष तैयारियां भी चल रही है। 31 दिसंबर को होटल परिसर में लाइव बैंड, लाइव डीजे, साथ ही अनलिमिटेड फूड की व्यवस्था की गई है। और यही नहीं, किड जोन भी यहां पर तैयार किए गए हैं और साथ ही सेलिब्रिटीज अपनी मनमोहक प्रस्तुतियाँ देकर लोगों को काफ़ी लुभाएंगे। जानकारी होटल ब्लिस के डायरेक्टरों ने ग्रैंड एशियन न्यूज़ को दी है। द ब्लिस इंटरनेशनल जो कि सोमनी राजनांदगांव में स्थित है, प्रतिवर्ष के हिसाब से अनुसार इस साल भी हम लोग एक आयोजन आयोजित कर रहे हैं 31 दिसंबर सेलिब्रेट करके। बहुत विशाल तो नहीं होता है, लेकिन हम मनोरंजन के दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस आयोजन का आयोजन की व्यवस्था करते हैं। इस आयोजन में लोग पूरे परिवार के साथ भाग लेते हैं। 31 हम हमेशा मनाते आ रहे हैं, पर इस बार हमने काफ़ी कोरोना के बाद से जो लोग बाहर नहीं निकले हैं, अपने एंजॉयमेंट रुका हुआ था, वो अपने फुल तरीके से एंजॉय और अपने आप को एंजॉय ब्लास्ट कैसे कर सकें, इस ब्लास्ट को हमने ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर ईव बनाना शेड्यूल किया है। इसमें इंडियन रोलर हमारा एक लाइव डीजे बैंड रहेगा, डीजे डिप्स हैं जो पुणे से आ रही हैं, एक हमारे छत्तीसगढ़ से लोकल हमारे डीजे अभिषेक हैं, ये सारे लोग हैं, भांगड़ा है और अनलिमिटेड फूड जहाँ पर इंजॉय कर सकें। बच्चों के लिए क्या होता है, फैमिली जाती है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रहता है, हमको उसको ध्यान रखते हुए हम लोगों बच्चों के लिए स्पेशल किड्स जोन बनाया हुआ है। पैरेलली यहाँ पे हमने गेम जोन्स रखे हैं जिससे आप इंजॉयमेंट करें, खाएं और 31st जो बाय बाय करें 2022 को, एक हंसते खुसते हुए बाय बाय करें और 2023 में एक हंसते खुसते हुए नए साल में इंटर करें, यही हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल 2023 कैसे एंजॉयमेंट में बनाए। पासेस और फीसेस की कैसी सुविधाएं? पासेस आप पेटीएम इनसाइडर से भी ले सकते हैं। शहर के प्रतिष्ठित होटलों में शुमार होटल ब्लिस इंटरनेशनल राजनांदगांव व दुर्ग के मध्य सोमनी में स्थित है। होटल ब्लिस इंटरनेशनल में इस वर्ष नए साल का जश्न धूमधाम से विशेष आयोजनों के बीच मनाया जा रहा है। इसके लिए होटल में 2023 न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने विशेष तैयारियां भी चल रही है। 31 दिसंबर को होटल परिसर में लाइव बैंड, लाइव डीजे, साथ ही अनलिमिटेड फूड की व्यवस्था की गई है। और यही नहीं, किड जोन भी यहां पर तैयार किए गए हैं और साथ ही सेलिब्रिटीज अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों को काफ़ी लुभाएंगे। जानकारी होटल ब्लिस के डायरेक्टरों ने ग्रैंड एशियन न्यूज़ को दी है। द ब्लिस इंटरनेशनल जो कि सोमनी राजनांदगांव में स्थित है, प्रतिवर्ष के हिसाब से अनुसार इस साल भी हम लोग एक आयोजन आयोजित कर रहे हैं 31 दिसंबर सेलिब्रेट करके। बहुत विशाल तो नहीं होता है, लेकिन हम मनोरंजन के दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस आयोजन का आयोजन की व्यवस्था करते हैं। इस आयोजन में लोग पूरे परिवार के साथ भाग लेते हैं। 31st हम हमेशा मनाते आ रहे हैं, पर इस बार हमने काफ़ी कोरोना के बाद से जो लोग बाहर नहीं निकले हैं, अपने एंजॉयमेंट रुका हुआ था, वो अपने फुल तरीके से एंजॉय और अपने आप को एंजॉय ब्लास्ट कैसे कर सकें, इस ब्लास्ट को हमने ध्यान में रखते हुए न्यू ईयर ईव बनाना शेड्यूल किया है। इसमें इंडियन रोलर हमारा एक लाइव डीजे बैंड रहेगा, डीजे डिप्स हैं जो पुणे से आ रही हैं, एक हमारे छत्तीसगढ़ से लोकल हमारे डीजे अभिषेक हैं, ये सारे लोग हैं, भांगड़ा है और अनलिमिटेड फूड
जहाँ आप इंजॉय कर सकें। बच्चों के लिए क्या होता है, फैमिली जाती है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रहता है, हमको उसको ध्यान रखते हुए हम लोगों बच्चों के लिए स्पेशल किड्स जोन बनाया हुआ है। पैरेलली यहाँ पे हमने गेम जोन्स रखे हैं जिससे आप इंजॉयमेंट करें, खाएं और 31st जो बाय बाय करें 2022 को एक हंसते खुसते हुए बाय बाय करें और 2023 में एक हंसते खुसते हुए नए साल में इंटर करें, यही हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल 2023 कैसे इंजॉयमेंट में बनाएं। पासेस और फीसेस की कैसी सुविधाएं? पासेस आप पेटीएम इनसाइडर से भी ले सकते हैं, आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा जिसमें आप कॉल कर लें। उसके लिए आपको इंडिविजुअल पासेस अलग अलग है, चार्जेस हैं, सिंगल का अलग है, फैमिली के लिए अलग है, कपल्स के लिए अलग चार्जेस हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों से अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन्जॉय करें। सक्सेसफुल होने के साथ साथ जो 31st है आप इन्जॉय कैसे करें, जो कोरोना है वो बीत चुका है, अब आप इन्जॉय करें 31st और 2023 में एंट्री करें नए उमंग और नए विश्वास के साथ कि हम अपना और कैसे खुश रहेंगे और तरक्की करेंगे। बहरहाल इस खास प्रोग्राम के लिए पासेस हेतु आप नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, तो देर किस बात की है, जल्द संपर्क कर पासेस उपलब्ध करें और जाते हुए 2022 को दिल से अलविदा कहकर नए साल का स्वागत दिल से और खुशियों से करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा जिसमें आप कॉल कर लें। उसके लिए आपको इंडिविजुअल पासेस अलग अलग है, चार्जेस हैं, सिंगल का अलग है, फैमिली के लिए अलग है, कपल्स के लिए अलग चार्जेस हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों से अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन्जॉय करें। सक्सेसफुल होने के साथ साथ जो 31st है आप इन्जॉय कैसे करें, जो कोरोना है वो बीत चुका है, अब आप इन्जॉय करें 31st और 2023 में एंट्री करें नए उमंग और नए विश्वास के साथ कि हम अपना और कैसे खुश रहेंगे और तरक्की करेंगे। बहरहाल इस खास प्रोग्राम के लिए पासेस हेतु आप नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, तो देर किस बात की है, जल्द संपर्क कर पासेस उपलब्ध करें और जाते हुए 2022 को दिल से अलविदा कहकर नए साल का स्वागत दिल से और खुशियों से करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।